ओके, रेडी फॉर टुडेज क्लास। सो एज यू नो दैट इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द गॉस थ्योरम, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर इटसेल्फ। आज मैंने गॉस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन बतानी है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो भी एक डेरिवेशन होगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइटली चार्ज थिन रोड ऐसे लिख लो, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रोड, ये हमारा टॉपिक है। और जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि कोई भी डेरिवेशन फिजिक्स बिना डायग्राम मीनिंगलेस है, तो सबसे पहले ही हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक थिन रोड दिखानी है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत लंबी होगी, तो आप जितना मर्जी लेंथ में बना सकते हो, जितना आपका लेंथ का पेपर अलाउ करता है। तो मान लो ये मैं एक काफी लंबी एक रोड को दिखा दूं, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग रोड मैंने दिखाई है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज गिवन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है। क्योंकि शॉर्ट के लिए फिर अलग डेरिवेशन है, आपके जो कोर्स में डेरिवेशन है वो लॉन्ग के लिए ही है। अब हम चाहते हैं कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग रोड के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, और हम उस पॉइंट पर इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसको मेजर करना चाहते हैं, ऑफकोर्स गॉस थ्योरम की मदद से। अब जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं, गॉस थ्योरम तभी लगती है जब हमें कोई गॉसियन सरफेस बनानी होती है जो कुछ चार्ज को इंक्लोज करे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आर पॉइंट तक एक गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं जो इस वायर के एक सेगमेंट को अपने अंदर इंक्लोज कर लेगा। तो मैं एक गॉसियन सिलेंडर दिखा रहा हूं जो कि इस वायर के एक सेगमेंट को अपने अंदर इंक्लोज कर रहा है। तो ये हमारा हो गया गॉसियन सिलेंडर। राइट। अब इस गॉसियन सिलेंडर की तीन सरफेसेस होंगी। जो फर्स्ट सरफेस होगी वो सर्कुलर टॉप एरिया होगा। अगर हम सर्कुलर टॉप एरिया की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, एरिया वेक्टर फर्स्ट टॉप सरफेस का ऊपर को होगा, यानी कि उनमें एंगल 90 बनेगा। जो बॉटम एरिया है वो भी सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो जो बॉटम में एरिया है अगर हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो वो भी 90 डिग्री ही बनाएंगे। और तीसरी सरफेस बची कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में देखें तो ई वेक्टर और DS3 वेक्टर में एंगल 0 डिग्री बनेगा। लेट एन इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग बेटर वर्ड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन रोड हैज
लीनियर चार्ज डेंसिटी एज लैम्डा। नाउ बाय गॉस थ्योरम। अब आप सबको पता है गॉस थ्योरम ने कहा था कि जितने भी आपको सरफेस नजर आती हैं आप उन सब सरफेस का ई डॉट डीएस का इंटेग्रल। तो यहां पर ई डॉट डीएस वन सरफेस वन है जो कि क्या है, सर्कुलर टॉप एरिया है प्लस ई डॉट डी एस टू है जो कि सर्कुलर बॉटम एरिया है प्लस ई डॉट डी एस थ्री है सरफेस थ्री जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, राइट। और तीनों एरियाज के साथ हम ईओ डीएस में बड़े आसानी से एंगल निकाल सकते हैं, हर पॉइंट पे इनके एंगल सेम रहेगा इसलिए एक सरफेस काउंट हो रही है। और गॉस थ्योरम ने फर्दर कहा था कि जब आप इनका इंटीग्रेशन ले लोगे तो वो किसके बराबर होगा, वन बाय ई नो टाइम टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, क्या इंक्लोज्ड बाय द गोशियन सिलेंडर, बाय द गोशियन सिलेंडर। ओके, तो यहां तक हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया कि सरफेस वन में जो ई और डी एस वन में एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई डी एस वन कॉस 90 डिग्री फॉर सरफेस वन प्लस ई डी एस टू कॉस 90 डिग्री फॉर सरफेस टू प्लस ई डी एस थ्री कॉस 0 डिग्री फॉर सरफेस थ्री। अब राइट साइड में वो कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, वो होगा जितना चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने दिया है थिन रोड पे मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। अब जैसे आपको पता है कॉस 90 जीरो होता है वो सबको जीरो बना देगा, ये भी कॉस 90 जीरो होता है ये भी सबको जीरो बना देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म रहेगी तो बाहर आ जाएगी, तो हमें इंटीग्रेशन लेना है डीएस थ्री का यानी कि सरफेस थ्री का। अब जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है थिन रोड को उसको हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोला हुआ है और लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर को एल का हुआ है, तो ये E, 1 बाई ई नो टाइम लैम्डा एल हो गया।
अब किसी भी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। बस हमने यहाँ पे हाइट को एल बोला है तो 2 पाई आर एल हो गया, एल से 1 एल कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि एक थिन रोड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी आर डिस्टेंस अवे पर, वो अब ये एक फार्मूले की तरह एक्ट करेगा, वो इस फार्मूले से देखी जाएगी, 1/2 पाई ई नोट इंटू λ/r इंटू λ/r। आर डिस्टेंस है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आर बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, वीक होती जाएगी। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेगी। अगर हम इसी नॉलेज को एक ग्राफ बनाकर देखें कि हम एक्स एक्सिस में आर ले लें, भी जितना डिस्टेंस हम वायर से दूर जा रहे हैं, और वाई एक्सिस में ई ले लें द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ई आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ लाइन बनेगी, राइट? तो ये हमारा टॉपिक हो गया। ओके, गॉस थ्योरम में फर्दर मूव करने से पहले अभी हम वो डाउट्स लेंगे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। तो आप देखो आपके पास जो डाउट है, अगर आप कोई पूछना चाहो, जैसे मैंने पेज नंबर 59 पे आपको क्वेश्चन दिए थे 2.05 एंड 2.06। हाँ जी, इसमें से किसी को डाउट पूछना है? हो गए दोनों। उसके बाद पेज नंबर 60 पे 3 क्वेश्चन दिए थे 2.09, 2.10 एंड 2.11। इनमें से पूछना है कोई प्रभनूर? नो। फिर मैंने 2.12 से 13, 17, 18, 119 एंड 120, 220 दिए थे। इसमें से कुछ पूछना है? 12, 13, 17, 18, 19, 20, ये भी हो गए तुम्हारे? पक्का कोई डाउट नहीं है? ओके, तो फिर हम सीधा गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल करते हैं। तो अगर आपके पिछली क्लास से कोई डाउट नहीं है तो है डाउट है 2.17 में, मैं जो भी है डाउट क्लियर कर देता हूं उसमें। हाँ जी, उसमें क्या कह रहा है 2.17 में? अ डाइपोल ऑफ लेंथ 0.1 मीटर कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। तो एक डाइपोल है, हम फिगर बनाकर समझते हैं, एक +500 माइक्रो कूलम का है, एक -500 माइक्रो कूलम का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.1 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, वो तो इजी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज इनटू 2a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज हो जाएगा 500 माइक्रो कूलम, 500 × 10^-6, 2a, ये 0.1 हो जाएगा। यहां ये ध्यान रखना है कि इसको दोबारा से 2 से इंटू नहीं करना, ये ऑलरेडी 2a का आंसर है। तो बस इसको सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 5 × 10^-5 किलोमीटर। तो पहला पार्ट तो बहुत इजी था पी निकालना। दूसरे पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर। अब बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एक चार्ज से 0.2 मीटर दूर पे निकालनी है। तो मान लो ये वाला चार्ज ये इसके क्लोजर है, तो यहां से हमने एज पर गिवन क्वेश्चन 0.2 मीटर दूर जाना है, यहां पे पहुंच गए तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अब आप ऑफ कोर्स ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन से लिया गया है। अब तुम्हें पता है उस फार्मूले में सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को आर कहते हैं, तो ये आर होगा और ये ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये आर और ए कितना होगा। अब अगर हमें 2a 0.1 मीटर दिया हुआ है
तो यहां से बड़े आराम से हम ए निकाल लेंगे, ए हो जाएगा 0.1/2 यानी कि 0.05 मीटर। आर, अब क्योंकि आर सेंटर से लेना है तो देखो ये इस चार से 0.2 मीटर इधर है और ये 1.15 है, तो जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 + 0.05 यानी कि 0.25 मीटर। अब आर और ए दोनों पता लग गए। अब हमें सीधा बस फार्मूला अप्लाई करना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे होता है किसी भी डाइपोल के द्वारा, उसका फार्मूला था 1/4 πE0 2πr ओवर आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। अब मेरे को पी पता है, आर पता है, आर और ए दोनों पता है और 1/4 πE0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो बस इनटू डिवाइड ही रह जाता। तो उसको कर लेते तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। हाँ जी, और कौन सा डाउट है? 2 पॉइंट। ये सारे मुझे समझ आ गया, लेकिन उनसी आर की वैल्यू होल स्केयर पे 2 है, वो चेंज क्यों हुई 2.18 में? कहाँ पे बैठो 2.18 में बैठे रहो। हाँ, 2.18 में कौन सा फॉर्मूला लगाया? E=1.4 πE0 ओके। 2πr का क्यूब जो होगा। हाँ, क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल है। अब 2.18 में वो कह रहा है कि दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू है 0.2 μmC एंड -0.2 μmC, और इनकी डाइपोल लेंथ है, इनकी लेंथ, इनके बीच में डिस्टेंस है 10⁻⁶ सेंटीमीटर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर पे निकालनी है। अब साफ नजर आ रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर से, यानी कि शो डाइपोल हो गया। अब मैंने एक स्पेशल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकालने को बताया था शो डाइपोल के लिए। शो डाइपोल में ये फॉर्मूले में हम ए स्केयर को जीरो ले लेते हैं। अगर आप इसमें ए स्केयर को जीरो ले लो तो ये ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 πE0 2πr, क्योंकि ए स्केयर को जीरो ले लिया ना, तो इसको मतलब जीरो ले लिया, काट दो तो ये आर की पावर 4 हो गया, और ये आर 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 की पावर 4 में से एक पावर कट कर देगा, 3 पावर रह जाएंगी, तो आर क्यूब हो जाएगा। और कोई डाउट? हाँ जी, और कोई डाउट इसके अलावा 2.19 या 2.20? 2.19 के अंदर आर की वैल्यू 2.19 के अंदर आर की वैल्यू। ओके, 2.19 को भी थोड़ा सा पढ़ देता हूं। तो 2.19 में वो बोल रहा था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। तो फिर से एक डाइपोल है जिसमें एक चार्ज है +100 μC और एक है -100 μC, और इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक ऐसे पॉइंट पर जिसका जो डिस्टेंस है वो दोनों चार्जेस से दिया हुआ है कि वो पॉइंट दोनों चार्जेस से 20 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस ये वाले चार से है वो भी 20 सेंटीमीटर है, और ये वाले चार से है वो भी 20 सेंटीमीटर है। अब अगर ये 10 है तो ये उसका हाफ हो जाएगा 5, तो मेरे को ये साइड नहीं पता जिसको हम आर कहते हैं फार्मूले में। अब ये सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का न्यूमेरिकल है, जिसके अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो वो होता है 1/4 πE0 p r² + a² की पावर 3/2। ठीक है? सीधा तो नहीं लगेगा, पहले आर निकालना पड़ेगा। हाँ, अब हमें पहले आर निकालना पड़ना था, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते थे, क्योंकि अगर हम ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल देखें POA, तो उस POA में ये हाइपोटेन्यूज है 20 और बेस है 5, तो ये वाली साइड हो जाएगी 20² - 5² √। ठीक है, 20² 400, 5² 25 या 375 का √ हो जाएगा। ठीक है,
तो 375 का अंडर रूट जो भी आएगा, ठीक है तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है आप रफली चलो 19 ही ले लो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने डिटेल में नहीं करने होते हैं कैलकुलेशन, तो आप 19 ले लो। और पी तो निकल ही जाएगा क्यू इंटू टू ए करके, क्योंकि हमें क्यू गिवन है 100 माइक्रो कूलम और टू ए गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसके मीटर बना लो 10 × 10^-2 मीटर, तो ये हो जाएगा 10^2 यहाँ है, 1 0 यहाँ पे है, -8 + 3 -5। अब मेरे को इस फॉर्मूले में देखो पी भी पता है, आर भी हमने निकाल लिया और ए भी गिवन है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सोल्व करना रह जाता। क्लियर है? चलो बस और डाउट नहीं है। ओके तो अगर इसके डाउट नहीं है तो बाकी बचे टाइम में मैं फिर और गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप A3 असाइनमेंट ओपन करो, गॉस थ्योरम पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं प्रीवियस बोर्ड के। जैसे मैं प्रॉब्लम 3.03 पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है ये 2008 में आया हुआ है, हाल तो बहुत पहले है लेकिन रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 वोल्ट पर मीटर such that normal to the surface makes an angle of 60 degree with the direction of electric field। क्या हिंदी बनेगी कि एक स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी डायमेंशन दी हुई है 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है such that कि जो सरफेस के नॉर्मल जो लाइन होती है जिसे हम 90 डिग्री वाली लाइन कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। अब तुम्हें पता है सरफेस के 90 डिग्री वाले लाइन को हम एरिया वेक्टर भी कहते हैं उसका, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो हमें बस पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आपको पता है फ्लक्स किसी भी सरफेस के साथ निकालने के लिए हमें ई डॉट डी एस लेना होता है इंटीग्रेशन करके। अब ई और डी एस में एंगल 60 बन रहा है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ई, मॉडुलस ऑफ डी एस इंटू कॉस 60 डिग्री अंडर इंटीग्रेशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, सिर्फ डी एस का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब डीएस क्योंकि ये रेक्टेंगल शीट है तो इसका डीएस हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और कॉस 60 हाफ होता है। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। अब समय आ गया वैल्यू पुट करने का। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 25, लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मैं उसके मीटर बना लूंगा 10 बाय 100 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 15 सेंटीमीटर 15 बाय 100 मीटर इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बस कैलकुलेशन रह गई, तो इसको सोल्व कर लो। 5 3 = 15, 5 20 = 100, 0 से 1 0 कट गया, 5 5 = 25, 5 4 = 20, और नहीं कटेगा, ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 2 4 = 8 और 80, 15 बाय 80, 15 बाय 80। तो अगर मैं 15 को 80 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.187 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलोम इनवर्स। हाँ जी, तो आई थिंक काफी इजी है ये। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं वो है प्रॉब्लम 3.05। तो इसको मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक 1 कूलम का चार्ज है, बताओ उससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही हैं, आपको वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब
जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर आती हैं उसको एक तरह से हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली मुझे इस क्वेश्चन में फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। बाय गॉस थ्योरम, अगेन आपको गॉस थ्योरम का भी रिजल्ट पता है कि किसी भी सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेट होता है, मतलब बाहर आता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1/E0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। अब ई नोट की वैल्यू आपको लर्न रखनी है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही ई नोट की वैल्यू बता दी थी। इट इज 1.854 × 10^-12, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चार्ज इनक्लोज है वो 1 कूलम है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.13 × 10^11। जितना टोटल फ्लक्स है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये 1 मार्क में अभी आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो है 3.07, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है 2018 में। हाँ जी, रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? तो इसमें क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। तो कह रहा है एक स्क्वायर है बेस, और उसके d डिस्टेंस ऊपर, d/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज पड़ा है Q। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर प्लेट मान लो और उसके d/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा गया है। इस स्क्वायर की साइड भी d है। एग्जामिनर कह रहा है यूजिंग गॉस थ्योरम टू ऑब्टेन द फ्लक्स फ्रॉम द स्क्वायर। एक एक पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में मैं इस स्क्वायर प्लेट के साथ कितना फ्लक्स लिंक है वो निकालना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, बोर्ड एग्जाम में आता है। अब क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम ही यूज करते हैं, और गॉस थ्योरम के लिए चार्ज को ढकना होता है। अब ये चार्ज ढका नहीं जा रहा है क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है और ये चार्ज पड़ा है, तो चार्ज ढका नहीं हुआ। तो मैं इसको ढकने के लिए क्या करता हूं, इस स्क्वायर प्लेट को बेस लेकर एक क्यूब खड़ा करता हूं। क्या खड़ा करता हूं? क्यूब। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को बेस लेकर एक क्यूब बना दिया। तो ये मैंने स्क्वायर बेस लेकर एक क्यूब बना दिया ताकि वो चार्ज इस स्क्वायर क्यूब के अंदर इंक्लोज हो जाए। तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर एज बेस, ड्रॉ अ क्यूब टू इंक्लोज द चार्ज इन इट। ठीक है, नाउ बाय जी थ्योरम, जी थ्योरम मतलब शॉर्ट फॉर्म है गॉस थ्योरम की, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना है ना, कई बार वो लगता है। तो बाय जी थ्योरम जो भी टोटल फ्लक्स इस क्यूब के साथ जुड़ा रहेगा वो 1/E0 टाइम चार्ज इनक्लोज के बराबर होगा, यही बोला था बॉस ने। लेकिन एग्जामिनर ने तो मेरे को सिर्फ स्क्वायर बेस के साथ कहा था, देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड विद स्क्वायर बेस ओनली। अब जो फ्लक्स स्क्वायर बेस से जुड़ा रहेगा वो टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी स्क्वायर की 6 फेसेस होती है, तो किसी एक फेस के साथ जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा। तो आप इसको 1/6 से डिवाइड कर दो तो हमें ओके। अगर नहीं है डाउट तो हम बी पार्ट पे चलते हैं। अब वो कह रहा है, इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बना रहा है।
इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड. कहता है मान लो अब हम स्क्वायर की साइड को भी डबल कर दें, यानी कि स्क्वायर की साइड 2d कर दें. हैं, पहले d थी स्क्वायर की साइड और चार्ज को भी सेंटर से पहले वो डी बाई डी डिस्टेंस था, अब d डिस्टेंस ऊपर रख दें. कितना डिस्टेंस ऊपर रख दें, तो बताओ क्या उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अफेक्टेड होगा या नहीं होगा. अब फिर से चार्ज इनक्लोज करने के लिए हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, लेकिन अब जो क्यूब बनाएंगे वो 2d साइड का होगा. कितने साइड का होगा, तभी चार्ज इनक्लोज हो पाएगा, है ना. कम से कम 2d साइड तो रखनी पड़ेगी, तभी वो मिड पॉइंट पे आएगा चार्ज. सिंस टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इंक्लोज्ड सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3.10. हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है, आपको एक फिगर गिवन है जिसमें अगेन एक क्यूब दिखाया गया है. तो ये एक क्यूब दिखाया है ऐसे, और उस क्यूब से तीन एक्सिस जा रहे हैं उसके सेंटर से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी जो वैल्यू है वो एक रिलेशन से दी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है वो बराबर है 5ax + 2b, ठीक है, राइट. जिसमें ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, इसमें ए की वैल्यू 10 गिवन है और बी की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है. ये सब कुछ दिया हुआ है. अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, बताओ इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स जुड़ा रहेगा, कितना फ्लक्स जुड़ा रहेगा. अब ऐसा कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक दो मैंने पहले भी कराए थे अगर आपको याद हो. अब किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 2 ही फेसेस के साथ जुड़ी रहेगी, जो फेसेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 2 फेसेस. बाकी जो 4 फेसेस हैं उनके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 हो जाएगा. क्लियर है. अब जो ये वाला फेस है अगर मैं देखूं तो यहां एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगी, तो ई और डीएस में एंगल, डीएस वन में एंगल 180 बन रहा है. अगर हम आगे वाले फेस की बात करें तो आगे वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है और डीएस टू भी आगे है, तो एंगल 0 बनेगा. तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो जैसे मैंने समझाया वो सिर्फ 2 ही फेसेस का एरिया इंटीग्रेशन करके आएगा, एक तो ई डॉट डीएस वन का प्लस दूसरा ई डॉट डीएस टू का,
ये दोनों DS1 DS2 शेड करके मैंने दिखाए हैं। क्या करके दिखाए हैं? शेड करके। ठंड लग रही है बिल्कुल। हाँ जी क्लियर है। अब अगर अगेन हम फिगर को देखें तो ये वाला जो फेस है ये बिल्कुल ओरिजिन पे पड़ा है। कहां पर पड़ा है? तो इसके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में हम नेक्स्ट स्टेप में ए को जीरो पुट कर देते हैं। ए को क्या पुट कर देते हैं? जीरो। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो हो गई 5a × 0 + 2 × 5, क्योंकि बी 5 दिया हुआ है प्लस 2b है ना। इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा साइड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। साइड जिसको अभी मैं ए कह देता हूं वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो जाएगा ए का स्क्वायर। और उनमें एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। वो भी मैंने समझाया। हाँ जी प्लस। अब आ जाओ EDS2 में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × a 10 × अब उसका जो इस फेस का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो उसका एक्स हो गया 0.1। एक्स कितना हो गया? 0.1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दूसरे वाले की। उसका भी एरिया वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा और उसका एंगल 0 बनेगा, cos 0 डिग्री। हाँ जी इसे सॉल्व करते हैं। 5a × 0 0 हो जाएगा प्लस 2 × 5 10 a² cos 180 माइनस 1 होता है प्लस 5 × 10 50 50 × 0.5 प्लस 10 a² × cos 0 डिग्री 1 होता है। इसको फर्दर सोल्व करो हो जाएगा -10a² + 15a² यानी कि 5a². अब हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब a हमें 10 सेंटीमीटर की वन है मतलब 0.1 मीटर, उसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 × 10 की पावर -2.05, और फ्लक्स का यूनिट क्योंकि वेबर होता है तो हम वेबर लिख देंगे। ये हमारा आंसर। ओके इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा था व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज विद इन द क्यूब। आपको नेट चार्ज इंक्लोज बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ओरिजिनेटर होता है एक चार्ज, तो वो कितना चार्ज अवेलेबल होता है। बस हमें गॉस थ्योरम लगानी है, बाय जी थ्योरम। आपको पता है किसी भी सरफेस के साथ जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा बराबर होता है 1/E0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड। तो इसका मतलब हमें चार्ज इंक्लोज निकालने के लिए ई नोड को फाइव टोटल से इंटू करना है। अब ई नोड की वैल्यू आपको लर्न रखनी है 8.85 × 10 की पावर -12, और फाइव हमने निकाला है 0.05 0.05, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.45 × 10 की पावर -9 13 कूलम। ओके तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 3.12। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है 2020 में। तो इसको भी देखो, इसमें क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एक्ट अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव एक्स। इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन माइनस एक्स डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ नेगेटिव एक्स। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे है, प्लस एक्स में भी है माइनस एक्स जगह में भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड -200 न्यूटन पर कूलम है फॉर एक्स लेस देन जीरो। और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो वो सर्कुलर सिलेंडर रखा हुआ है
डेटा हुआ विद इट सेंटर एट ओरिजिन, और उसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन पे है। तो ऐसे एक लेटा हुआ सिलेंडर पड़ा है, ओरिजिन पे सेंटर है, इसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एग्जामिनर कह रहा था कि अगर तो आप ओरिजिन के राइट तरफ हो प्लस एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 200 I कैप न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हो, मतलब एक्स लेस देन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -200 I कैप। माइनस साइन का मतलब वो एक्स एक्सिस के ऑपोजिट होगी, यानी कि एक्स डैश में होगी। कहाँ होगी? एक्स डैश में, ऐसे होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें पूछ रहा है पहले कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस सिलेंडर के साथ कितना फ्लक्स जुड़ा रहेगा। अगेन आप देखो कि इस सिलेंडर के तीन फेसेस हैं, दो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले हैं जिसको मैंने अब शेड कर दिया, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप मुझे बताओ कि ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल होगा? जैसे अगर हम इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर की तरफ ही होगा, तो ई और DS1 में एंगल 0 बनेगा। जो ये वाला सर्कुलर एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है लेफ्ट साइड को, और एरिया वेक्टर भी लेफ्ट साइड को ही होगा, वो भी 0 डिग्री बनेगा। बचा कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें अगर हम एरिया वेक्टर लें तो वो ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं या बाएं जा रही है, कहाँ जा रही है? दाएं या बाएं, लेफ्ट और राइट, तो उनमें एंगल 90 बन रहा है। तो तीन सरफेस हैं जिसमें दो सरफेस में एंगल 0 बन रहा है और एक में 90 बन रहा है, तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो इन तीनों सरफेस का इंटेग्रल होता है, ई डॉट DS1 सरफेस 1 का, ई डॉट DS2 सरफेस 2 का, और ई डॉट DS3 सरफेस 3 का, यही होता है। अब सरफेस 1 में जैसे मैंने बोला, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 200 है, इसका DS1, अब किसी भी सर्कल चीज का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है? और इनमें एंगल cos 0 डिग्री बनेगा, ये हो जाएगा। सरफेस 2 में भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ -200 लेना होगा, एरिया उसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और उसमें भी एंगल 0 डिग्री बनेगा। सरफेस 3 में मैटर वैल्यू मैटर नहीं करेंगी क्योंकि ये कॉस 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कॉस, अब इसे सॉल्व करते हैं, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा 200 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 पाई आर स्क्वायर प्लस 0, यानी कि 400 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें बस हम सॉल्व कर लेते हैं एंड वी विल गेट द आंसर 400 पाई 22/7, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, मीटर बनाना मत भूला करो, 5 × 10^-2 मीटर का होल स्क्वायर। बाकी बस आगे कैलकुलेशन है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा 3.14। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा था टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉस थ्योरम, जो फ्लक्स टोटल होता है वो 1/E0 टाइम चार्ज इनक्लोज के बराबर होता है। इसका मतलब चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए E0 × ∅ टोटल करना है, E0 × ∅। अब E0 की वैल्यू हमारी है 8.85 × 10^-12, और ∅ टोटल है 3.14, तो मैं इसको भी इंटू कर लूंगा, आई विल गेट द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट एज वेल। तो ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए गॉस थ्योरम के, बोर्ड एग्जाम के हैं, 2020 का है, 2018 का है, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे आते हैं पेपर में एग्जाम। एनसीईआरटी के भी हैं, तो एनसीईआरटी के बोर्ड में दोनों ही है, मतलब एनसीईआरटी भी है और बोर्ड भी है। चलो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।